बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले सारे बहन भाई ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह के रहम और करम और फजल से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जो है बारिश हो रही थी हमारी तरफ काफ़ी, अब जो है नहीं हो रही। अब दिल कर रहा था कि ऐसा मौसम हो और पकौड़े हों, तो जी फिर हमने कहा बना लेते हैं। इतना सोचने की क्या बात है। मैंने आलू लिए, मैंने प्याज लिए, मैंने कहा अभी काटते हैं और बनाते हैं। तो वॉश मैंने कर लिए हैं, अब इनकी कटाई करते हैं, फिर बेसन बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है पकौड़ों की फुल रेसिपी आपके साथ शेयर होगी। और जी जिस बहन भाई ने खाने हैं वो आ सकता है, क्योंकि देख के मुंह में पानी तो आ ही जाता है इंसान के। तो मैं आपको मौसम दिखाती चलूँ कि ये देखें काफ़ी बारिश थी, पानी खड़ा है, फर्श सारा जो है ना वो गीला हुआ पड़ा है, और अब थोड़ी सी धूप निकली है तो हम बाहर निकल के बैठे हैं। ये देखिए अब थोड़ा मौसम साफ़ है, सूरज ना थोड़ा बहुत है, अभी है धुंधली सी धूप, लेकिन जो है ना सही हो गया है मौसम। तो जाने जी अपना काम शुरू करते हैं। एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो एंजॉय कीजिएगा फुल व्लॉग और बताइएगा पकोड़े आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो जी माशाल्लाह से फाइनली ये देखें जी बेसन सारा जो है, मतलब कि मैंने पकौड़े बना लिए हैं सारे के, ख़त्म हो चुका है। मैंने फुल जो है वो नहीं की रिकॉर्ड के, बहुत भी लोग लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर ना होना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो ये देखें जी कलर कितना प्यारा है, हल्का हल्का ब्राउन कलर हो पकौड़ों का, तो ये बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी और स्पाइसी बनते हैं और जो है ना खस्ता हैं, मतलब के ना बहुत मज़ेदार हैं। तो जो है हर किसी का अपना तरीका होता है जी बनाने का, लेकिन हमारा तरीका तो यही है। ये देखें जी फुल प्लेट माशाल्लाह से मैंने भर ली हुई है, और अब लेके चलते हैं और टेस्ट करवाते हैं कि कैसी है घर वालों को,
और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जो है ओके जी, अल्लाह हाफिज़।